तो बिग बॉस के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है और ऐसे में राहुल वैद्य को सभी एंकर टारगेट कर रहे हैं। राहुल वर्सेस निक्की, राहुल वर्सेस रुबीना, राहुल वर्सेस अली, राहुल वर्सेस रुबीना, सभी को राहुल के मतलब सभी को राहुल को अगेंस्ट दिखा रहा है जितना भी सारा मैटर हो रहा है। क्या आप रुबीना के अगेंस्ट इस तरीके से क्यों कहते हो? जब अली कोई बुली करता है, कोई मतलब किसी को गाली गलौज करता है, तब आप कुछ नहीं कहते, और जब रुबीना ये सब करती है तब आप रुबीना के ऊपर चढ़ जाते हो, ऐसा क्यों? राहुल वैद्या को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हद से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह टारगेट और कितना चल पाएगा, इसके ऊपर राहुल वैद्या का क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल राहुल ने एक छोटे से प्रोमो में जो दिखाया गया, राहुल ने अपनी बात रखी कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि अली अगर गाली बके तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा या फिर मैं उसको उसके अगेंस्ट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं उसके मैटर में नहीं बोलता और ना ही मैं रुबीना के मैटर में बोलता। रुबीना अगर मेरे साथ में कोई गलत करती है तो डेफिनेटली मेरा तो वहां पर पॉइंट है भाई बोलने का, मैं तो वहां पर उस कंडीशन में बोलूंगा। और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस एंकर ने ये भी साथ में ये वाली बात कही कि आप किसी लड़की या फिर किसी भी विमन को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, तो राहुल ने इस बात के ऊपर एग्री नहीं किया कि मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है कि मुझे किसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसके रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो हमें देखने को मिला, राहुल वैद्या को सच में टारगेट किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस एंकर्स के द्वारा। बाकी देखना होगा जब एपिसोड पूरा टेलीकास्ट होगा क्या है पूरी सच्चाई, जब हम रिव्यू लेकर हाजिर होंगे तब सारी इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलकर सामने आएंगी। बाय द वे, क्या कहना चाहेंगे आप ये सब प्रोमो देखने के बाद? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल वैद्य को टारगेट किया जा रहा है या फिर नहीं? प्यार सा कमेंट करके जल्दी से बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे शेयर की जा रही है।